हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएस ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहदेव और बादशाह सर के बारे में, और ये बात भी हम जानने वाले हैं कि बादशाह सर ने शाहदेव को कौन सा बंगला गिफ्ट किया है, कौन सी कार गिफ्ट की है, और उनके बैंकों के अकाउंट में यानी कि शाहदेव के बैंकों के अकाउंट में कितना करोड़ रुपये या लाख रुपये ट्रांसफ़र किया है। और ये भी हम जानने वाले हैं कि इस वीडियो में कि जो बादशाह सर ने शाहदेव के साथ जो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है तो वो कब आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जेएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लड़के के बारे में। तो मैं आप लोग बता दूं, ये लड़का आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि अपनी क्लास में, जब ये 5वीं क्लास में था, तो जब इसके टीचर ने यह सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था, जी हाँ, अपने मोबाइल फोन से इसके टीचर ने यह सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था 15 अगस्त के दिन, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपलोड नहीं किया था। उनकी टीचर ने बहुत दिनों के बाद YouTube पर अपलोड किया, जिसकी वजह से इस लड़के की वीडियो अचानक से वायरल हो गई, जिस पर कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे मिलियन से व्यूज़ आना शुरू हो गए, और बहुत सारे TikTok स्टार, Instagram स्टार और यूट्यूबर ने भी इस पर शॉर्ट्स वीडियो बना चुके हैं, जिसकी वजह से इस लड़के की जान पहचान, फ़ैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। और इसको ही देखते बॉलीवुड के टॉप सिंगरों में से एक यानी कि बादशाह सर ने इस लड़के को देखा। इस लड़के को देखने के बाद और इसकी आवाज़ सुनने के बाद और अपनी दिल्ली की ऑफिस में इस लड़के को बुलवाना करवाया। मैं आप लोग बता दूं, शाहदेव महाराष्ट्र का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से किसी देहात का रहने वाला है। वहां से बादशाह सर ने इनके फ्लाइट का टिकट खुद करवाया था और वहां से इस लड़के को दिल्ली बुलवाना करवाया और इनके साथ सॉन्ग शूट किया और रिकॉर्ड करवाया। लेकिन अभी इसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है कि ये कब आने वाला है। बादशाह सर ने सिर्फ हमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट तो किया कमिंग सून, लेकिन ये सॉन्ग कब आता है, इसका ट्रेलर कब आता है, ये बात किसी को भी पता नहीं है। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत सारे लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि बादशाह सर ने इन्हें बंगला गिफ्ट किया है, कार गिफ्ट की है, इनके बैंकों के अकाउंट में कई करोड़ों या लाखों रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ, ये सब बात बिल्कुल भी गलत है। बादशाह सर ने अभी तक के ना इस लड़के को घर दिया है, ना इस के वो कार दिया है, ना इनके बैंकों के अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफ़र किया है। हो सकता है आने वाले वक्तों में ये सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद इससे जो भी इनकम हो तो बादशाह सर इस लड़के को देंगे। कि ये बात सच है या गलत है ये तो अब बादशाह सर को ही पता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये लड़का बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो मैं आप लोग बता दूँ, इसकी फैमिली के अंदर सिर्फ वो इसके फादर और इसकी सिस्टर ही है, क्योंकि ये घर में बिल्कुल अकेला है। और मैं आप लोग बता दूँ, इनकी मदर की डेट हो चुकी है, शाहदेव की मदर इस दुनिया में नहीं है। आप इंटरव्यू में देख लीजिएगा, ये इंटरव्यू प्ले हो रहा है, आप इंटरव्यू में देख लीजिएगा। और दीदी है घर में इसके, शादी का बड़ा वाला। मम्मी है? मम्मी नहीं है। अच्छा, मम्मी नहीं है? नहीं है, मम्मी नहीं है, नहीं है। और मैं आप लोग बता दूं, इनके जो पापा है तो वो किसान है, वो मजदूरी करते हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में ये किसान नहीं रहे, हो सकता है शाहदेव इनकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि ये लड़का बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है। और मैं आप लोग बता दूँ, शाहदेव सिर्फ अभी 7th क्लास में है, ये वीडियो उनकी 2 साल पहले की थी, जब शाहदेव का फेस कुछ और था और आज शाहदेव का फेस कुछ और है। और एक बात और है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ने ये फेक न्यूज़ भी फैला रखी है कि नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी ने भी शाहदेव को बधाई दी और ये कहा कि आपने देश का नाम रोशन किया है। तो सब बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि फेक न्यूज़ चैनल वालों का काम ही होता है बहुत फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो ये सब बात बिल्कुल भी गलत है गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोग बता दूं, अभी तक कि इसकी इनकम कुछ भी नहीं हुई, इसकी इनकम 0 हुई है, एकदम 0। अभी तक के इसे किसी ने भी कुछ भी पैसा नहीं दिया है। गिफ्ट तो किया है, इसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, सारे छोटे छोटे गिफ्ट तो किए हैं, लेकिन अभी तक के इसे किसी ने भी बड़ा अमाउंट या पैकेज नहीं दिया है। तो सब बात बिल्कुल भी गलत है। तो गाइज, जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल जेएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय। रात बार कहने लगा तेरा इंतजार, हम तुम प्यार ना डूबे, छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे मिट्टी में, छोटे छोटे मिट्टी में, रात बार कहने लगा तेरा इंतजार, हम तुम प्यार ना डूबे, हम डूबे रे, हम तुम प्यार ना डूबे, हम तुम प्यार ना डूबे, हम डूबे रे, हम तुम प्यार ना डूबे, रात बार कहने लगा तेरा।
इंतजार, हम तुम प्यार ना डूबे, छोटे छोटे